हर हर महादेव। मैं हूं दिलीप, इन ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं बाबा की धाम तारकेश्वर में। सावन महीने की पहली सोमवार, तो देख सकते हैं मंदिर परिसर की चारों ओर भक्त लोगों की समागम। तो आया है सावन महीने में बाबा की जल अभिषेक कराने के लिए। ऐसी हर रोज तारकेश्वर में बहुत सारे पुण्यार्थी बाबा शिव जी के दर्शन में आते हैं। मान्यता के अनुसार फागुन महीना की सोमवार बाबा की जल अभिषेक कराने सबसे ज्यादा फलदायक होती है। इसीलिए फागुन महीना की सोमवार बाबा की धाम में भक्त लोगों को जनसैलाब दिखाई दे रहा है। अलभट दर्शन और जल अभिषेक कराने के लिए दूर दूर से भक्त लोग पैदल चला आता है तारकेश्वर मंदिर में। या रात सावन महीने में बाबा की एक झलक दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं भक्त लोग। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार में आपको दो नंदी बेल नजर आएगी, एक काला और एक सफेद। हर रोज सुबह से शाम तक इस मंदिर में पूजा अर्चना और बाबा की आराधना चलती रहती है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर महादेव के नारा लगाते हुए मेरे साथ देखिए सावन महीने की पहली सोमवार तारकेश्वर टेम्पल। तारकेश्वर आने के लिए सबसे बेस्ट है ट्रेन। बंगाल की किसी जगह से आप तारकेश्वर टेम्पल आना चाहते हो तो आपको पहले हावड़ा स्टेशन आना पड़ेगा। स्टेशन में बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल है तारकेश्वर के लिए। लोकनाथ स्टेशन या तारकेश्वर स्टेशन, किसी भी स्टेशन उतर के आप मंदिर परिसर आ सकते हो। आप किसी प्राइवेट वाहन या बाइक से आना चाहोगे तो आपको 26 नंबर रोड होते हुए तारकेश्वर मंदिर आ सकते हो। मैं इस टाइम खड़ा हूँ तारकेश्वर मंदिर की पार्किंग ग्राउंड में। विशाल है ये पार्किंग ग्राउंड। तो लोगों को द्वारा मंदिर में आने वाले ज्यादातर निजी वाहन इस पार्किंग ग्राउंड में पार्किंग किया जाता है। अब चौसाघाट से लेके पूरा पार्किंग ही फी है इस पार्किंग ग्राउंड में। चाहे यहाँ पर आप कार पार्किंग कर सकते हो और लेके भी जा सकते हो, कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। हम तक इस पार्किंग ग्राउंड में बहुत सारे प्राइवेट कार आपको पार्किंग किया हुआ दिखाई देगा। राजबाड़ी के ठीक सामने ये है पार्किंग ग्राउंड। तारकेश्वर की पवित्र और धार्मिक दूत कुकुर। सर मंदिर आने के बाद भक्त लोग पहले आ जाता है इस तालाब में स्नान करने के लिए। तालाब में स्नान करके पवित्र हो जाता है भक्त लोग। हर रोज इस तालाब में हजारों लोग स्नान करते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। इस तालाब में तारकेश्वर पुलिस के द्वारा स्पीड बोट में टहल देते आपको नजर आएगी। तालाब में स्नान करते हुए कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए तालाब से थोड़ी आगे पानी में बैरिकेड लगा हुआ है। चारों ओर लगा हुआ है पूजा देने का और प्रसाद की दुकान। यहाँ से पूजा देने का सामान और प्रसाद लेके चला जाता है मंदिर के मुख्य द्वार में। आते ही देवादिदेव महादेव के जल अभिषेक और पूजा देने के बाद भक्त लोग अपना मनोकामना पूरी करते हैं।